मरने से चंद लम्हे पहले आप किससे मिलना चाहेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज आपको तलाश करना है। आप कौन सा काम करना चाहेंगे? आप वो चंद लम्हे कैसे गुजारना चाहेंगे? आप किससे माफी मांगना चाहेंगे? अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं, तो वक्त जाया मत कीजिए, आज ही जाइए उसके पास जिससे आपको माफी मांगनी है, उसके पास जिसको गले से लगा के आपने ये कहना है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। हम बहुत से रिश्तों को इस इंतजार में छोड़ देते हैं कि कह देंगे और फिर जिंदगी मोहलत ही नहीं देती, और हमारे प्यारे शायद इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कभी उनके कान भी सुने कि उनके बच्चे उनसे कह रहे हैं कि बाबा आई रियली लव यू, यू डिड अ लॉट फॉर मी, मामा आई रियली लव यू, यू डिड अ लॉट फॉर मी, बेटा मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी जिंदगी हो। अगर ये अल्फाज हम अपनी जिंदगियों में कह दें तो हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगियों में उन लोगों से माफी मांग लें कि जिनके दिल हमसे दुखे हैं, जिनका हक हमने मार खाया है, तो हालात बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम अपनी मौत को अभी बहुत दूर समझते हैं। जैसे ही हमने ये सोच लिया कि चंद लम्हों के बाद हम मौत से हमकरान होने वाले हैं, जिंदगी के ये आखिरी लम्हे हैं जो हम गुजार रहे हैं, तो यकीन मानिए दुनिया से जन्नत में जाने की ख्वाहिश कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। हम इजहार के मामले में बे इंतहा कंजूस हैं, और मोहब्बतों के पौधे कभी इजहार के पानी के बगैर नहीं फलते फूलते। जाइए अपनी मोहब्बतों के पौधों को इजहार का पानी दीजिए, ताकि वो शजरे सायादार बने, और ना सिर्फ आप उसके साय में ज़िंदगी गुजारें, बल्कि आने वाली नस्लें भी मोहब्बतों के उन पौधों के साय में ज़िंदगी गुजार सकें और ये दुनिया रहने के काबिल हो जाए।